महाराष्ट्र में देखा जाए तो ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, ठाकरे बनाम देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे बनाम अदानी समूह पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अब आगे की खबर ऐसी है कि कल परसों में उद्धव ठाकरे के सांसद होते हुए भी वहां पे अदानी समूह ने वहां पे धारावी पुनर्विकास का नारियल फोड़ा है, उद्घाटन किया है। स्थानिक सांसद कौन है? अनिल देसाई, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के हैं। इनको न्योता नहीं दिया, इनको बुलाया नहीं और वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने चार पांच लोगों को जमा करके धारावी पुनर्विकास का जो शुभारंभ है वो किया है। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में बवाल मचा है। हमारे साथ अनिल देसाई जी, सांसद। सांसद जी, किस प्रकार का ये धूल फेंक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको? इस बात को हम मानते ही नहीं है कि भूमि पूजन हुआ है या शुभारम्भ जिसको आप कह रहे हैं, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन चीज़ों के लिए DRPPL जिस तरह से एक सरकार और प्राइवेट इस तरह का जो एक SPV जिस तरह से आया हुआ है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बना हुआ है, और जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट के नाम से इन सीटू प्रोजेक्ट के तरह इसका डेवलपमेंट होना है, तो पुनर्विकास के लिए हमारी या धारावी करके लोगों के लिए कोई ना नहीं है। उनको विकास चाहिए, लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनका घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान, व्यवसाय की जगह है तो उसके बदले में व्यवसाय, और बाकी सुविधाएं जो भी आप देना चाहते हैं वो सब सुविधाएं उनको मिले, ये उनकी आशा आकांक्षा है, ये उनकी अपेक्षाएं हैं, और वो देने की जिम्मेदारी इस DRPPL की है। उसके लिए DRPPL के CEO से हमारी मीटिंग हुई, वहाँ से सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, धारावीकर हैं, वो आप अभी तक कुछ भी आप ब्लूप्रिंट नहीं ले रहे हैं, क्या प्लान्स है, क्या आप लोगों को देंगे, लोगों को किस तरह से क्या मिलेगा, इस बात की कहीं पे भी उनकी टिप्पणी नहीं है, ना कोई बात करते हैं। और अगर वो कहते हैं, क्योंकि दो बार ऐसी बात हुई कि हम यहाँ पे शुभारंभ करेंगे, उसको लोगों ने नकारा, उसके लिए लोग इकट्ठा हुए, आंदोलन बचाओ जो धारावी बचाओ समिति, कृषि समिति है, उसमें सभी पक्षों के लोग नेतागण वहाँ पे हैं और वो अच्छी रीत से प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे धारावी की जनता का। धारावी का हर एक आदमी जो वहाँ पे बसा हुआ है वो वहीं पे बसना चाहिए, उसको पात्र अपात्र या एलिजिबल इनएलिजिबल करके उसको बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप क्यों आजू बाजू में या बाहर दूर तक मिठागर और बाकी सॉल्ट पैंस में ज़मीनें ले रही हैं, दहीसर में ले रही है, आप मुलुंड में ले रहे हैं, आप कांजूरमार्ग में ले रहे हैं, आप कुरला मदर डेयरी की जगह ले रहे हैं, इस बात को लेके गुमराह करने की कोशिश ना करें। लोगों को जो आप देना चाहते हैं धारावी में ही दे, और धारावी के लोग रहते हुए वहाँ पे जो विकास होगा, बहुत विकास करने की जगह। चुप के क्यों ऐसे भूमि पूजन किया जा रहा है? नहीं समझता, चुप चुप के उनको करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो पहले दिन वहाँ पे लाक्षणिक वहाँ पे अनशन था, और वहाँ पे लाक्षणिक अनशन में मैं खुद भी था उस वक्त, प्रशासन ने, पुलिस कर्मचारियों ने खुद, उन्होंने आके कहा कि उन्होंने वहाँ पे वो कार्यक्रम जो उनका सोच रहे थे वो रद्द किया है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो नेचुरली स्टेक होल्डर्स को लेके, सभी को विश्वास में लेके आप विकास करेंगे, लोगों का विश्वास जीत कर विकास होगा, वो सही विकास होगा। लोगों को परे रख के, लोगों को आप परे करके आप अगर कुछ बात करना चाहते हो वो विकास नहीं हो सकता, वो एक फरेब हो सकता है। क्या आप इसके खिलाफ आप रास्ते पे उतरेंगे, क्योंकि पहले भी उतरे ही हैं? बिल्कुल उतरे हैं, अब तो लोग वहाँ पे, लोगों को दिल में जो खौफ था वो सच्चाई में आ गया, वो डर उनको जो लग रहा था वो साबित करने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों के दिल में, धारावी के लोगों के दिल में ये डर है कि भाई हमको घर से अब हम किनारा कर देंगे, हमको घर से निकाल देंगे, हमको उड़ा। तो उसके लिए लोगों का जो आंदोलन है, लोगों का जो, लोगों के दिल में जो बात है उसको सही ढंग से आपको सुलह करनी है, तो लोगों को बुलाना होगा, आपको बताना होगा, ब्लूप्रिंट दिखानी होगी। आप वो करने के रास्ते अनेक हैं, और ये ऐसे कार्यक्रम लोग शामिल होके करें उसको आप कह सकते हैं मान्यता होगी उसको। यानी धारावी करो के लिए फिर एक बार ठाकरे रास्ते पे उतरते दिखे आएंगे? शिवसेना पक्ष प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव जी स्वयं मोर्चा पहले, सबसे पहले उन्होंने सभी पक्ष के कार्यकर्ताओं को, नेतागणों को लेके निकाला था धारावी के लिए। आपने देखा था लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे, तो ये नेतृत्व है और वो बार बार यही पूछेगा, यही पूछ रहा है, यही वापस चित्र दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शांति से अच्छे रीत से करिए, सभी शामिल हो जाएंगे, लोगों का विश्वास जीत कर करो, वो विकास है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल देसाई जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद। उन्होंने कहा है कि धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उनके विकास के लिए उनके खिलाफ जो अदानी ग्रुप यहाँ पे भूमि पूजन कर रहा है उसके खिलाफ अब फिर एक बार उद्धव ठाकरे रास्ते पर अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.